कैसी लगी? अच्छी है, आप देखो फिफ्थ सिक्स गियर में भी बाइक नॉकिंग नहीं कर रही, 40 की स्पीड पे भी। चलो जी, फर्स्ट सेल्फ आते हैं। ओहो हो, क्लच तो एकदम लाइट है यार, बहुत लाइट है क्लच। हैंडलिंग अभी पता लग गया, बहुत ही इजी है। थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है तो यहाँ पे मतलब उस हिसाब से तो टेस्ट ड्राइव नहीं हो पाएगी, मगर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इनिशियल रिस्पॉन्स बाइक का अच्छा है, नो डाउट। ईजी टू मैनोवर इन द ट्रैफिक, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता रहा था कि लाइट वेट है तो बहुत ईजी रहेगा। ब्रेकिंग इज सुपर ऑसम, मतलब आप कहीं पे भी बाइक को किस भी तरीके से टैकल कर सकते हैं। और यार हैंडलिंग इतनी अच्छी है इसकी, मगर जो ज़्यादा हाइट वाले बंदे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। बाकी यार देखो, अगर हम उसकी बात करें ना कि बाइक कितनी प्रीमियम लग रही है, तो वो बात तो है, इट लुक्स प्रीमियम इन पर्सन, मतलब आपने वीडियोज़ में भी देखी होगी, मगर असली में बाइक काफ़ी प्रीमियम दिखती है अगर आप इन पर्सन आके देखेंगे। चलिए, एक्चुअली ये लोग टेस्ट राइड जो करा रहे हैं वो 3-4 को इकट्ठे ले जाते हैं पूरे लॉट में, जैसे ग्रुप में नहीं ले जाते हैं। छोटा ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा खुला है, मगर देख के चलाना पड़ेगा। देखिए, सिक्स गियर में हूँ मैं, और सिक्स गियर से भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया बाइक ने। इंजन इज सुपर स्मूथ यार, सुपर स्मूथ इंजन है, जवाब नहीं है मतलब इस चीज़ का। गियर शिफ्टिंग बहुत ही इजी है, और अभी मैं जैसे फिफ्थ गियर में हूँ, मैं हूँ 40 की स्पीड पे, अभी तक कोई नॉकिंग नहीं है। देखिए, दिस इज द ब्यूटी। सीटिंग का मैं बताता हूँ आपको, सीटिंग कंफर्टेबल लग रही है, अच्छी है, मतलब सीट पे आप बैठते हो तो आपको बैठते ही पता लग जाता है कि हाँ सीट में कितना दम है। तो अगर हम बात करें ना कंफर्ट की, तो डेफिनेटली कंफर्ट देगी ये सीट। बाकी तो जो लॉन्ग ट्रिप्स हैं उन्हीं पे जाके पता लगता है यार कि कितनी देर तक आप झेल सकते हो इस सीट को, मगर कुशनिंग अच्छी है ये कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे इस रोड पे थोड़ा सा हल्का खुला स्ट्रेच है, तो देखते हैं, मगर मैं फिर से बोलूँगा वही यार, ट्रैफिक है ना इसलिए बहुत देखना पड़ता है। इजी टू गो यार, इजी टू गो, मतलब इतना एकदम रिलैक्सिंग फील हो रहा है इसको चला के, और लाइट वेट है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हाँ यार बहुत बड़ी चीज़ है, तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है चलाने में। आप आराम से चलाओ, कोई टेंशन ही नहीं। वही बात हो गई, वो जैसे आजकल मॉल में होता है ना, भाई 100 रुपये की एक राइड है, अब आपका चक्कर ख़त्म होने वाला है। कैसी लगी? अच्छी है, आप देखो फिफ्थ सिक्स गियर में भी बाइक नॉकिंग नहीं कर रही, 40 की स्पीड पे भी। ओके, आगे उनके पास ट्राइडेंट है, जो ट्रायम्फ वाले हैं उनको भगा रखी है भाई। बाकी तो यार देखो, अभी जब इसकी डिलीवरी शुरू होंगी उसके बाद जो यूज़र रिव्यूज़ आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे या लोग बता पाएंगे कि हाँ मतलब इसकी आफ्टर सेल्स कैसी है, क्योंकि मेन बात वहीं पे आ जाती है कि सर्विस कैसी होगी, कितने की होगी। और क्योंकि ये बाइक अवेलेबल है आपकी वन ट्रायम्फ पे अभी, तो जो सर्विस हैंडल होगी वो कैसे होगी, क्योंकि वन ट्रायम्फ ऑब्वियसली बहुत कम है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हीटिंग की बात करूँ तो एज सच अभी तक मेरे को कोई हीट नहीं फील हो रही, ना लेफ्ट ना राइट। बाइक का साइज़ छोटा है थोड़ा सा, मतलब इतनी बड़ी नहीं है जितनी पिक्चर्स में लगती है, बाइक छोटी लगती है। बाइक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉम्पैक्ट सी बाइक है, मतलब आपको लगेगा कि फुल कंट्रोल में आपके, मेरे दो पैर मतलब ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट है,
और आराम से आप हैंडल कर सकते हो ट्रैफिक में कहीं पे भी। और यार ये देखो जो फिट एंड फिनिश है स्विचेस की एंड एवरीथिंग, इट लुक सो प्रीमियम। बाकी सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस तो आई थिंक आप सबने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे यूट्यूब पे, क्योंकि जो पेड रिव्यूज़ होते हैं, पेड रिव्यू से आप समझते हैं ना, कंपनी बुलाती है, होटल में रुकवाती है, आप उसी के लिए रिव्यू देंगे अच्छा। तो इन पर्सन जब आप बाइक को चलाते हैं तब आपको पता चलता है हाँ जी बाइक कैसी है। देखिए थर्ड गियर में अभी मैं चल रहा था, कोई नॉकिंग नहीं थी बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट 5 या 10 की स्पीड थी। एग्जॉस्ट साउंड भी ठीक ठाक सा है, मतलब इट्स नॉट दैट ग्रेट, सिंगल सिलेंडर बाइक है तो यही एक्सपेक्टेड होगा, बट दिस बाइक इज़ अ प्योर जेम, आई मस्ट से दिस। हेड टर्नर है भाई, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब वेट है तो बस स्क्रैम्बलर का, जो इनका स्क्रैम्बलर वाला मॉडल है, तो मेरा तो इम्प्रेशन भाई अच्छा रहा, फर्स्ट इम्प्रेशन। सबसे मेन मेरे को बाइक में ये देखना था कि जो इसका थ्रॉटल रिस्पांस है वो कितना है, और थ्रॉटल रिस्पांस बाइक का बहुत अच्छा है। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो सारी आप लोग पढ़ ही सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो अभी बाइक को वापस लेके चलते हैं, इट वाज अ शॉर्ट टेस्ट राइड, मगर मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा बहुत जो भी मैं फील कर रहा हूँ वो बता पाऊँ। वन टेन है फ्रंट और पीछे वाला आपका 150। सीट का मैं आपको बता रहा ना, सीट देखो, सीट में ये जो जगह है ये पूरी, मतलब आप होल्ड कर लेते हो इसको और आपकी बैक अच्छे से यहाँ पे रेस्ट कर लेगी, और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और हैंडलिंग बड़ी प्यारी है यार, मगर लंबे बंदों के लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगी। 5.5, 5.4 वाला भी आई थिंक इसको आराम से हैंडल कर सकता है। ब्लू, ब्लैक, रेड, इनमें पर्सनली मेरा फेवरेट इज़ रेड, बहुत ही अलग स्टैंड आउट हो रहा है वो कलर, बहुत अलग दिख रहा है। ये गोल्डन दिया है, ये कितना सही लग रहा है ना, USD फोक्स है, अच्छा है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ट्रायम्फ और बजाज का कोलेब्रेशन है, तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियमनेस है उसमें थोड़ी सी मतलब वो कंजूसी करी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बाइक अच्छी खासी प्रीमियम दिखती है, आप लाइव देख सकते हैं अभी, सारी चीज़ें अच्छी है बाइक में। अभी वेट है तो बस स्क्रैम्बलर की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो छोटी सी टेस्ट ड्राइव थी मगर नो रिग्रेट्स, कंपनी को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एक न्यू लॉन्च है और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, और कंपनी को हर एक को केटर करना है। मगर अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो ट्रायम्फ फिर भी 3 बाइक्स रख रहा है टेस्ट ड्राइव के लिए, जहाँ पे आप किसी और कंपनी के पास जाएं तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बाइक मिलती है। एक बंदा जाएगा टेस्ट ड्राइव के लिए तो दूसरा पीछे से वेट करेगा, तो लेट्स सी द पॉजिटिव थिंग। अब बाकी आते हैं बाइक के इंप्रेशन पे, क्विकली शेयर करता हूँ। बाइक का जो इनिशियल रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कम होगा, मगर यार क्या रिस्पॉन्स आया। और बाइक लाइट वेट है तो आप जब ट्रैफिक में चलाते हो बहुत ईजी लगता है। सीटिंग की बात कर लेते हैं, सीटिंग भी बाइक की कम्फर्टेबल है, जो मैंने आपको दिखाई थी, कुशनी है, अच्छा कुशन है और कंफर्टेबल रहेगी फॉर श्योर। बाकी हैंडलिंग कंफर्टेबल है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बेंड होना पड़ रहा है या आपके एल्बोज में या शोल्डर्स में कहीं पे स्ट्रेन पड़ेगा। बाकी जो 5'10" के अबव रहेंगे उनको मेरे ख्याल से राइजर्स वगैरह डालने पड़ेंगे, वरना उनकी कमर में दर्द हो जाएगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं, सर्विस पे। तो सर्विस कल हमने पता करा 5,000 to 6,000 के बीच में रहेगी इसकी, और सर्विस होगी सिर्फ वन ट्रायम्फ पे। वन ट्रायम्फ अभी कम है, देखते हैं इनका नेटवर्क कितनी जल्दी इंक्रीज़ होता है। जितना जल्दी इंक्रीज़ होगा उतनी जल्दी सेल्स फिगर्स बढ़ेंगे फॉर श्योर, क्योंकि सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर ग्रेटर नोएडा से एक बंदा नारायणा जाएगा दिल्ली सर्विस करवाने, तो वो उसके लिए एक नाइटमेयर रहेगा, क्योंकि कम से कम 50-60 किलोमीटर्स के अराउंड है और 10 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि सर्विस इंटरवल इन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा है, 16,000 किलोमीटर। अब ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी हजम नहीं हो पा रही कि 16,000 किलोमीटर सर्विस इंटरवल कैसे हो सकता है यार। 16,000 किलोमीटर में तो मतलब समझ ही सकते हैं आप, बस देखते हैं। चलिए अभी कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी यार, कुछ भी बोलना मतलब बहुत ज़्यादा ये होगा कि आप बहुत जल्दी एक डिसीज़न ले रहे हो एक चीज़ को देख के। लेट्स नॉट जज द बाइक, लेट्स नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। यूज़र रिव्यूज़ आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। और स्क्रैम्बलर 400 का मेरे को तो वेट है यार, क्योंकि वो बाइक के जो लुक्स है ना बहुत ही अलग है। बाकी छोटी टेस्ट ड्राइव थी और लंबी टेस्ट ड्राइव के लिए हमने बात करी है, 4-5 दिन में दोबारा मैं उधर जाऊँगा तो लंबी टेस्ट ड्राइव लूँगा और सारी डिटेल में आपसे चीज़ें दोबारा से शेयर करूँगा।
ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस या कुछ भी आपके दिमाग में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।